कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत और वांड्रे पश्चिम से आसिफ जखारिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सांगले विधानसभा सीट से पृथ्वीराज गुलाबराव पाटिल को टिकट मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब तक 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद दूसरी सूची में 23 और अब तीसरी सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस ने जारी की अपनी तीसरी लिस्ट, 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची यहां पर जारी की है कांग्रेस ने। मुंबई की 2 सीटों पर भी नामों का ऐलान किया है। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को टिकट मिला है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई ब्यूरो चीफ संदीप फ्रंटपी से। संदीप, जिस तरह से लगातार हर पार्टी अपनी तरफ से एक के बाद एक उनकी सूची जारी होती जा रही है, कांग्रेस की भी अब तीसरी लिस्ट सामने आ गई है, इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, विस्तार से। बिल्कुल, महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव के लेकर कांग्रेस की अब तीसरी सूची जो है वो जारी की गई है। तीसरी सूची में कुल 16 कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए, इनमें से कुछ मुंबई की सीट भी शामिल है। कांग्रेस ने पहली सूची जाहिर की थी, उसमें 48 सीटों की सूची थी और दूसरी जो थी वो 23 नाम घोषित किए थे। अब कांग्रेस के लगभग जो है 27 कैंडिडेट के नाम जो है वो घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने मुंबई में बांद्रा पश्चिम से आरिफ जाकरिया को उतारा है। इसके अलावा मुंबई के अंधेरी पश्चिम सीट को कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत को भी मौका दिया गया है, जो अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं और उनकी पहुंच भी अच्छी है, जिन लोगों में ऊंचाई अच्छी है। और दूसरी ओर देखा जाएगा तो कांग्रेस की तीसरी सूची में समाजवादी पार्टी की उम्मीद बची गई है। पार्टी ने अभी तक अनुशक्ति नगर से किसी भी उम्मीदवार को सीट नहीं दी गई है। इस सीट के अभिनेत्री स्वरा भास्कर से पति परा अहमद लड़ना चाहते हैं, पर समाजवादी पार्टी के टिकट चुनाव के लिए अब भिवंडी ईस्ट से भी उम्मीदवार की ऐलान की गई है। सपा की तरफ से 5 सीटें मांगी गई है, पर अभी तक सपा को सीटें दी गई नहीं है। उसके अभी आने वाले सूची में जो है वो सपा को सीट दी जा सकती है। बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरह से 85-85 सीटों का फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पर एनसीपी, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे की यहाँ पर पार्टी ने और कांग्रेस ने यहाँ पर, लेकिन अभी तक कांग्रेस को देखें 87 सीटों पर यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, तो क्या ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ इसमें फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, पहले 85-85 सीटों को लेकर जो है वो फॉर्मूला तय किया था। उसके बाद जो है तीनों पार्टियों ने आपस में मीटिंग करके जो अपने साथ जो सहयोगी पार्टी है उनको भी सीट देनी है और बची सीटों को भी बंटवारा करना है। उसके चलते जो है पार्टी ने 90-90 सीट की जो है वो फॉर्मूला आजमाया है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट भी यहां पर जारी हो गई। अभी तक कांग्रेस ने अपनी 87 सीटों पर उम्मीदवार जारी करते हैं और 90-90 सीटों पर तीनों प्रमुख पार्टियां यहां पर चुनाव मैदान में दिखाई देंगी।